गायनेकोमास्टिया है वो पता कैसे चला? गायनेकोमास्टिया मुझे काफ़ी सालों से खा रही है और लास्ट 2 साल पहले मैंने इसके लिए सोचा कि अब इसके लिए कुछ करना है, तो मैंने सर्जरी का भी देखा काफ़ी, मेरे को लगा एक बार पहले जिम से ट्राई करता हूँ। मैंने 1.5 साल जिम भी किया और जिम से थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला, पर जैसा रिजल्ट चाहिए था मुझे नहीं मिला। और कभी कभी जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज करते थे वो थोड़ा और बाहर आ जाता था उठा के, तो वो थोड़ा और अनइजीनेस और ऑकवर्ड लगता था। अब गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए करवाना चाहता था कि मैं जैसे टी शर्ट में आज तक नहीं पहनी, स्विमिंग नहीं कर सकता था, शर्ट नहीं निकाल सकता था, मतलब खुद को एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था और दूसरों को क्या दिखाएंगे। तो इसलिए मेरे को था कि मैं भी अच्छे से सब करा के मैं भी कॉन्फिडेंस लेवल करके टी शर्ट पहनूँ टाइट, स्विमिंग करूँ। ओके, डॉक्टर आशुतोष का रेफरेंस कैसे मिला? ये वेबसाइट से मिला, इंटरनेट से सर्च कर रहा था तो उनमें दिखा इनका बेस्ट और रिव्यू देखे अच्छे थे, वो रिव्यू देख के फिर मैंने कहा ये डिसीजन देख के ही बना लिया कि यहीं जाके यहीं करवाएं। ओके, डॉक्टर आशुतोष की अपॉइंटमेंट आराम से मिल चुकी थी? मिल गई आराम से। डॉक्टर आशुतोष ने गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट समझाने के लिए कितना टाइम दिया था? नियर हाफ एन आवर। हाँ, वो हाफ एन आवर में आपको जो भी कुछ ट्रीटमेंट समझाई थी वो दौरान जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे? फुली क्लियर। और जैसे आपको कभी भी डाउट्स वगैरह होते थे तो आप टेलीफोनिक से बात कर लेते थे, तो रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स हम जब भी बात की हमेशा पॉजिटिव मिला और हमेशा फोन उठाया और जवाब दिया। ओके, और एक बात है कि सर्जरी की डेट अगर बात करते हैं तो आराम से मिल चुकी थी? हाँ, सर्जरी की डेट तो उल्टा मुझे इनफैक्ट पहले ही मिल गई थी, मैं उल्टा बिजी चल रहा था, मैंने लेट कर पाया। मैं उनसे मिला था अप्रैल 30 या मई 1st वीक में मिला था। ओके, और एक बात है, सर्जरी से पहले जो भी कुछ केयर लेनी थी वो आगे से आपको डॉक्टर आशुतोष ने समझाई थी? हाँ जी। ओके, सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? हाँ, माहौल अच्छा था। अब क्या फील कर रहे थे आप जैसे ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, आप क्या फीलिंग क्या था? उससे पहले उनके जो सब स्टाफ थे और सब थे डॉक्टर थे तो उनसे काफ़ी मिलजुल गए थे, तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया था, पॉजिटिव फील कर रहे थे। ओके, सर्जरी के दिन आपकी और आपके फैमिली भी जो यहाँ पर आए थे तो डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने कैसे केयर ली थी? एकदम फैमिली जैसे केयर की थी, लग रहे थे जैसे घर पे ही। ओके, सर्जरी के बाद जैसे डिस्चार्ज होकर घर पे जाते हैं तो स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने कैसे केयर ली थी? हर थोड़ी देर में आ रहे थे, पूछ रहे थे जैसे यूरिन भी हुआ या ले रहे हैं कुछ, सब पूरा केयर कर रहे थे। सर्जरी के बाद की बात अगर करते हैं हम तो बिफोर और आफ्टर सर्जरी जो भी कुछ पहले से केयर लेनी थी डॉक्टर आशुतोष ने और स्टाफ ने आपको बराबर से समझाई थी? हाँ जी, बराबर सब समझा दिया था और कुछ भी डाउट लग रहा था हम फॉलो अप कर रहे थे और एकदम हम जब भी फोन कर रहे थे जवाब भी ले रहा था, ऐसे करना वैसे कभी ऐसे नहीं कहा क्यों फोन बार बार कर रहे हो या ऐसे बोले, उन्होंने कहा आधी रात को भी फोन कर देना, 2 बजे भी करो 3 बजे भी करो आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ अभी तक? कॉम्प्लिकेशन ऐसे हुआ था, मैं जैसे मेरी सर्जरी 21st को हुई थी, मैं 23rd को दिखाने आया था तो क्या मेरी स्किन थोड़ा सेंसिटिव थी। okay. तो उसके कारण थोड़ा सा उनका ब्लड क्लॉट हुआ था। okay. वैसे तो चल जाता पर ऐसे सेफर साइड डॉक्टर ने कहा तो थोड़ा निकाल ही देते हैं। okay. तो नेक्स्ट डे आके हल्का सा स्टिच खोला और निकाल दिया, दैट्स ऑल, उसमें तो कुछ। ओके, वो कॉम्प्लिकेशन हुआ था, मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं था, माइनर था जस्ट। ओके, तो जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन माइनर भी हुआ था तो डॉक्टर्स स्किन सेंसिटिव थे उस कारण हुआ था। ओके, डॉक्टर्स और स्टाफ ने आपको मतलब कैसे हैंडल किया था? अच्छे से, बढ़िया। ओके, जैसे बात करते हैं डॉक्टर आशुतोष सर ने गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट तो अभी करी दी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो थोड़ा दिख ही रहा है, लेकिन आप खुद वैसे क्या फील कर रहे हो, पहले कैसे थे और अभी क्या फील कर रहे हो? पहले से काफी पॉजिटिव फील कर रहा हूं, अभी शर्ट टी शर्ट पहन सकते हैं जैसे ये हो जाए फिर पहनेंगे मस्त। और डॉक्टर आशुतोष सर गायनेकोमास्टिया के अलावा भी लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, हेड एनलार्जमेंट, बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहता है तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? 100% करूंगा और ऑलरेडी 2-3 को रिकमेंड कर भी दिया है। ओके, डॉक्टर आशुतोष का नेचर, स्टाफ का नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? बढ़िया, एकदम ऐसे लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा घर पे ही है, एकदम फैमिली जैसा। ओके, और डॉक्टर आशुतोष का एलिगेंस क्लिनिक और उसकी टीम का 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? 5 स्टार। ओके सर, ओके, थैंक यू।